जुआ खेलने से मना करने पर महिला को पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंचे सिपाहियों ने भी युवक के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। शाहजहांपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। घरेलू विवाद के चलते दंपति ने आग लगाकर खुदकुशी करने का किया प्रयास, इलाज के दौरान युवक की मौत, महिला की हालत गंभीर। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र का मामला। क्या हुआ था, आप जानकारी हुई कुछ? जानकारी ये हुई थी, इन्हें 100 रुपये का दंगा था, दोनों आपस में दंगा कर रहे थे और इन्हें 100 रुपये मेरे भाई ने मांगे थे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा मैं नहीं करूँगी, एक बार 100 रुपये नहीं दूंगी, मट्टी का टेंट डाल के आग लगा लूँगी। दिन के समय में पति पत्नी ने एक दूसरे को आग लगा करके आत्महत्या कर ली है, जिसमें पति की मृत्यु हो गई है, पत्नी अभी गंभीर रूप से घायल होने के बाद में भी उसका इलाज चल रहा है। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर पैसा निकालने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 लोग लिए गए हिरासत में। धोखे से लोगों के फिंगरप्रिंट्स और आधार नंबर लेकर बनाते थे क्लोन, लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए निकालने का हुआ खुलासा। फिंगरप्रिंट स्कैनर व अन्य सामान किया बरामद। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र का मामला। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शातिर किस्म के बदमाश है, जिन्होंने आईटी का पूरा दुरुपयोग किया है। इनके पास जब कोई आधार कार्ड का डिटेल चेंज कराने जाता था तो उसमें जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसको ये अपने लैपटॉप में सेव कर लेते थे डाटा में, और उसके बाद जो मोहर बनाने वाली जो प्लास्टिक होती है उस पर उसको ट्रांसप्लांट कर देते थे और उसके आधार पर उसको फिर यूज़ कर और जो मनी ऐप आती हैं जिसमें आपके आधार कार्ड से लिंक जो आपके अकाउंट्स हैं उसमें उस अकाउंट के जरिए आप 10,000 रुपये एक बार में निकाल सकते हैं, उसमें वो इंटर कर और जिस व्यक्ति ने इनके यहाँ विश्वास में वो काम किया है, अपना चेंज कराया है, उनके अकाउंट में सिंधमारी करते थे। मथुरा जेल से फरार 15,000 के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस व बिना नंबर की पल्सर गाड़ी को किया बरामद। 31 दिसंबर 2017 को मथुरा जेल की दीवार फांद कर भागे थे बदमाश। फिरोजाबाद जिले की थाना नरखी क्षेत्र का मामला। ये देखिए, जनपद फिरोजाबाद में थाना नारकी की पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य करते हुए 2 अपराधी जो मथुरा से फरार हुए थे जेल से, उनकी गिरफ्तारी की गई, जिनके ऊपर 15,000 रुपये के इनाम घोषित था। ये दोनों अपराधी जो हैं इनके ऊपर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और ये वहाँ से भागने के बाद दिल्ली में, बनारस में और कई जगहों पर है, उसके बाद ये हमारे जनपद में आकर इन्हें रहना पाया गया। अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। फिरोजाबाद में चोरों ने हार्डवेयर की दुकान को बनाया निशाना, हजारों की नकदी व सामान लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र का मामला। ये किस चीज की दुकान है, कहाँ स्थित है आपकी? हार्डवेयर की दुकान है, बर्फखाने चौराहे पे है ये, शिवाजी मार्ग पे। तो क्या चोरी का मामला हुआ है यहाँ? रात को अज्ञात चोर आ गए हैं करीब 1:30 बजे और सारी गुल्लक, रेजगाड़ी जो कुछ भी था वो सब खोल के उन्होंने सब निकाल लिया। रेजगाड़ी अब पता नहीं चल पा रहा है कितना नुकसान हुआ है। पैसों के लालच ने रिश्तों को किया बदनाम, लालच में आकर अपने ही साले से मांगी रंगदारी। कुख्यात नक्सली दिनेश गोप के नाम से मांगी थी रंगदारी, चढ़ा पुलिस के हत्थे। रांची के कांके थाना क्षेत्र का मामला। चंद्रभूषण दास एक व्यक्ति हैं जो टीचर है यहाँ पर, सुकरभुट्टू के रहने वाले। 20 तारीख को उनको जो है एक फोन आया, 20 अक्टूबर, हाँ, उनके अज्ञात नंबर से फोन आया कि हम जो है वो दिनेश गोप बोल रहे हैं, आप जो है हमें 4 लाख की रंगदारी दें। तो इनके द्वारा कहा गया हम क्यों दें आपको, तो इनको धमकी दिया अगर नहीं दोगे तो जान से मार दें। तो ये डरे हुए थाना आए और यहाँ पर थाना में अपने लिखित एक आवेदन दी, जिसके आरोप में जो है एक FIR यहाँ दर्ज किया गया। राजकीय संप्रेक्षण गृह में जिलाधिकारी का छापा। फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर के किशोर विभिन्न मुकदमों में है न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध। अभिरक्षा में बंद किशोरों से श्रमदान कराने और खेती की जानकारी देने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। किशोरों को मिलने वाले खाने को किया चेक, किशोरों के खाने के लिए डाइनिंग हॉल बनाने की दी स्वीकृति।
और उसमें बच्चों से ही श्रमदान करवाया जाए, जिससे कि उनको फसल के बारे में जानकारी हो और श्रम करने की आदत भी आनी चाहिए, स्वस्थ भी रहेंगे उससे। यहाँ पर डाइनिंग हॉल की कमी है, इसकी डिमांड की गई है, तो मैं इसको देखूँगा कहीं से हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा तो सभी व्यवस्थाएँ। बस बच्चों की एजुकेशन के लिए सर हम लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए 4 टीचर्स को यहाँ रखा गया है और जिस क्लास के बच्चे हैं उसी क्लास उसी पढ़ाई हो रही है, उसकी अलग से समीक्षा करूँगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास पता चला सही बच्चों में से एक आदि केवल उस सब्जेक्ट का है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसकी अलग से समीक्षा होगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।